कृपया सभी यात्रियों से अनुरोध है कि आप इस सूचना को ध्यान से सुने। कुर्सी की पेटी बांधने के लिए दोनों सिरों को सामने लाकर जोड़ें तथा दबाएं। बेल्ट को कसने या ढीला करने के लिए खुले सिरों को कसें या छोड़ें। इस विमान में कितनी बड़ी दुर्घटना होने वाली है ये लोग सोच भी नहीं सकते। सर हमारी सहायता करिए। अरे मालदीव जाते वक्त सिखाया तो था ना तुम्हें। अब भूल गया ना, थोड़ा सहायता कर दीजिए। लो दूसरा। हाँ ये रहा। अरे अरे अरे, ये तो बंद ही नहीं हो रहा। थोड़ा ऐसा करिए। ऐसे तुम जरा पेट अंदर करो, मोटी हो गई अब। मोहन जी आप भी ना हर समय हमारा मजाक बनाते रहते हैं। बस ठीक है, हम जरा से लूज करके पहना देते हैं ना, दिक्कत क्या है? ऐसे ही पहना, ये अटक जाएगा। ये टंग करके घुस गया ना अंदर। सुनिए। हाँ। आप हमसे उम्र में बड़े हैं ना, ये मत भूले कि हम अभी भी बच्चे ही हैं, इसलिए बूढ़े भी आपकी उम्र हमसे पहले। बूढ़ा ना आदमी दिमाग से होता है, शरीर से नहीं। उस हिसाब से तो तुम पैदाइशी बूढ़ी हो। मोहन जी माफ करिएगा, हमसे ही गलती हो गई। मतलब आप तो जवान हैं, अभी भी कितने जवान हैं। अरे जवान क्या, अब तो छोटी सी बच्ची है, ऐसे नन्नु मुन्नु बच्ची। हाँ जी कुल कुल, जिन्हें बड़े होने में भी काफी समय लगेगा। बहुत समय। बुढ़े कहीं के। बोलो दुलारी क्या हुआ था बताओ। सब राधा मोहन के लिए नहीं है, इस दिवाली पूरा देश बर्बाद होगा। हाँ, वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं, हमें जल्द से जल्द मोहन भाई और बाकी सभी को फ्लाइट पे बोर्ड करने से रोकना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। एक काम कर राहुल, मोहन को फोन लगा। हाँ, कॉल करो। हाँ पापा, मैं भी कॉल करता हूँ। राहुल भी ना, पहले गलती करता है फिर सॉरी बोलने के लिए फोन करता है। अच्छा ठीक है ना मोहन जी, उठा लीजिए फोन। सॉरी सर, अभी आप फोन पिक नहीं कर सकते। मैं दो मिनट बात कर लूंगा उसमें। अगर आप ऐसा बिहेव करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? इसमें बच्चे कहां से आ गए? कम ऑन भैया, पिक अप द फोन। अरे मोहन जी शांत हो जाइए ना। मोहन भैया फोन क्यों नहीं उठा रहे? अभी हम जहां हैं वहां के नियम तो हम मानने पड़ेंगे ना। दादा को फोन लगाओ ना राहुल। हाँ मैं दादा को कॉल लगाता हूँ। राधा भी कॉल नहीं उठा रही। मैं मम्मी को कॉल करता हूं। फ्लाइट
फ्लाइट इज रेडी टू टेक ऑफ। चलत विमान कोलाहल होए, जय रघुवीर कहे सब कोए। चलिए गुनगुन आप भी हमारे साथ बोलिए। चलत विमान कोलाहल होए, जय रघुवीर कहे सब कोए। जय रघुवीर कहे सब कोए। इसका मतलब क्या है मोहन जी? ये ना चौपाई है रामायण की, तो जब राम भगवान जी वनवास से वापस लौट रहे थे ना, तब उनका जो पुष्पक विमान था ना, वो डगमगा गया था। तो उस समय उन्होंने यही चौपाई कही थी। तो उनके विमान का जो डगमगाना था ना, वो एकदम बंद हो गया, अस्थिर हो गया। अच्छा, तो इसीलिए लोग कहते हैं कि इस चौपाई को कहने से ना तो आपका विमान डगमगाता है और ना ही विमान के साथ कोई दुर्घटना घटती है। सर आपको कुछ चाहिए? इस विमान में कितनी बड़ी दुर्घटना होने वाली है ये लोग उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इसे एक हादसे से हम पूरे देश को बर्बाद कर देंगे। राधा बिटिया बिल्कुल सत्य कह रही है। अच्छा, क्या बात है। वैसे हर चीज का सलूशन है राधा के पास, और ये धर्म और कर्म की बातों में ना उसे कभी हरा नहीं सकता। वो तो है मोहन जी, और इसीलिए तो पूरी दुनिया में भगवत गीता का ज्ञान पहुंचाने के लिए आप और हम जा रहे अमेरिका। ताली काहे दे रही हो? क्यों ना दे? अरे रामायण, ये चौपाई जो है वो तो रामायण से है ना? हाँ, तो अरे तो मतलब हमने ये रामायण भी पढ़ी है ना मोहन जी, कहो तो सुना है? नहीं नहीं रेंदु, आज के लिए बहुत सारी धार्मिक बातें हो गई। नहीं सुनाते है ना मोहन जी? और धार्मिक सुनो। अधर्मिक? नॉटी 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 मोहन जी आप भी ना, बहुत मजाकी आप। अगर घर वालों से हमारी बात हो जाती ना मोहन जी, तो सच में बहुत अच्छा होता। सो तो है, पर कोई बात नहीं, अमेरिका पहुंचते ही हम पहले उन्हें सबको फोन करेंगे। हमारी पूरी फैमिली उस प्लेन में, अगर अगर बॉम्ब बॉम्ब कुछ फट गया, किसी को कुछ हो गया, तो क्या करेंगे? माँ जी हम कैसे बचाएं, कैसे बचाएंगे? नहीं केतकी, केतकी क्या हुआ? रिलैक्स केतकी, उसकी तो पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई है। क्या बहना? बाबूजी जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए, गर्भावस्था की शुरुआती दिनों में इनकी ऐसी हालत ठीक नहीं है। राहुल फोन लगा डॉक्टर को। हाँ हाँ बाबा, मैं भी कॉल करता हूँ। केतकी तुम बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, पता है प्रेगनेंसी में ना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। हमारी पूरी फैमिली, हमारा पूरा परिवार बच जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, हम कह रहे हैं ना तुमसे। प्लीज रिलैक्स, आराम से। Excuse me. Full term pregnancy में इतना travel करना अच्छी बात नहीं होती बेटा। अरे आंटी जी, हवे तुम्हारो पांचवो महीनो चाले छे। अभी है ना मेरा पांचवा महीना ही चल रहा है। अभी डिलीवरी में काफी टाइम है। हाँ पर आपको देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे नौवा महीना चल रहा हो। नहीं नहीं वो क्या है ना, मैं थोड़ी सी हेल्दी हूँ,
इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, नहीं तो मैं पांचवा महीना ही है। चाट पकोड़े कुछ ज्यादा खाती है ना। पर जीजी, अरे जीजी कहाँ से आता है? क्या करते हैं आपको जीजी? उनकी पांच महीने की प्रेगनेंसी है, पांचवा महीने की। उसे तुम्हें क्या लेना देना? पर ऐसे नहीं, पता है क्या है ना, लोग ना बच्चा पैदा करने अक्सर अमेरिका चले जाते हैं ताकि उनके बच्चे को यूएस सिटीजनशिप मिल जाए। बात समझ रहे हैं? ये बाकी बिहारी जी हैं। ये क्या बात हुई? मतलब हमारे भारत जैसे पावन देश को छोड़कर, पावन भूमि को छोड़कर ऐसे अमेरिका जैसे देश में जाकर अपना बच्चा क्यों पैदा करेगा कोई? मतलब ये कैसा व्यवहार हुआ हमारे, तो समझ में नहीं आ रहा। बच्चा किसका है? उनका है। तो उनका बच्चा उनकी देश कौन से देश से है बोलो? अरे सब तुम्हारी तरह देशभक्त नहीं होते हैं ना, तो उनका मन है। पर होना चाहिए, मुझे एकदम होना चाहिए। मतलब हर देशवासी को ना देशभक्त होना ही चाहिए, वो समझाना तो चाहिए ना। मोहन जी गलत है। चुप करो। बाय बाय इंडिया, अब ना मैं आऊंगी ना मेरा बच्चा आएगा यहाँ। सुन रही हो? समझ लिया? उनकी लाइफ है, वो लोग वही करेंगे ना जो उन्हें पसंद है। तुम वो करो जो तुम्हें पसंद है ना। अब ये कैसी बात है? बताओ क्या पसंद है तुम्हें? अरे तुम्हें तो ये, अरे तुम उनका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हो? चुपचाप बैठे रहिए आप। सुइया ने हमें एयरपोर्ट पे भी देख लिया था। मंटे भैया, आप? अगर हमारा काम शुरू होने से पहले इसने मुझे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हमें इससे बचना होगा। अभी तक तो हमें हथियार भी नहीं मिले, कुछ करो। बिना हथियार के हम कैसे जीतेंगे? और ये लोग इतने सारे, हमें कुछ करना पड़ेगा। केतकी रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स। मैना प्लीज, आराम से। कौन कौन? मैना प्लीज, इस हालत में इतना स्ट्रेस मत ले। कौन? पापा प्लीज, आप पुलिस को कॉल कीजिए ना। हाँ प्लीज। हेलो, वृंदावन पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब, हमें आपको एक बहुत जरूरी खबर देनी है। दिल्ली से यूएस जाने वाली फ्लाइट नंबर AT-17820Z जो अभी अभी रवाना हुई है, उसमें बॉम्ब है। क्या? आपको कैसे पता? किसने किया ये? सर, इस पूरे षड्यंत्र में हमारे घर का एक नौकर शामिल है, उसका नाम है बंटी। वो अंकल पीने वीने की आदत है क्या? क्या? अभी भी पी रखी है? नहीं तो? तो थोड़ी सी पी लीजिए। होश में रहने की वजह से आपका दिमाग खराब हो गया है। इस तरह की अफवाहें फैलाना क्रिमिनल ऑफेंस है। अगली बार फोन किया ना, उठा के अंदर कर दूंगा। हेलो हेलो, कुछ भी बोल रहा है इंस्पेक्टर। यादव जी, रॉकी क्रिमिनल केस वाली फाइल लेके आओ। ओके सर।
क्या हुआ ससुर जी? हाँ पापा क्या हुआ? बेवकूफ लोग कह रहे हैं कि हम अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह लग रहा है उनको? अरे हम कैसे अफवाह फैला सकते हैं? एक मिनट जरा सुनिए। यस सर। हमें कोई दूसरी सीट मिल सकती है क्या? सर इकोनॉमिक क्लास तो फुल है, बिजनेस क्लास में सीट खाली हो सकती है। एक काम कीजिए, आप हमें वहां बिठा दीजिए, वरना यहाँ तो हमारा सफर खराब हो जाएगा। नो प्रॉब्लम सर, बट उसके लिए आपको 50,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। कितना? सर 50,000। 50,000? 50,000? 50,000? तुम दे रही हो? फिर हम यही ठीक है, क्यों पंडित जी? ओके। यही बैठ रही है? हाँ ठीक है ना, पैसों की बर्बादी नहीं होगी। तुम हाथ पकड़ो यार, बस माँ की टेंशन मतलब यहाँ की टेंशन लो। अम्मी प्यास लगी है। Excuse me, पानी चाहिए था। अजी जरा सुनिए, क्या है? इतनी फेमस एयरलाइन और इतना बेकार स्टाफ। मम्मी प्यास लगी है। रुको बेटा, मैं खुद ही लेके आती हूँ पानी अभी। हाँ मैम, कैन आई हेल्प यू? पानी चाहिए था। डोंट वरी मैम, मैं आपके लिए लेके आता हूँ। हाँ जी। सोना। क्या? I miss you so much। मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ ना बेबे। बट कितनी दूर हो। वो देखो, वैसे होते हैं रोमांटिक कपल्स। वाह 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 वाह, कुछ सीख रही हो तुम? जब हाथ छूटे हो तो नीचे से नहीं ऊपर से डाला करते। डाल तो आप ही रहे। अब देखो तुम। आखिर कर क्या रहे हैं आप? रोमांस। सार्वजनिक जगह ना मोहन जी, मतलब देख कर तो करिए, आप कितने लोग हैं? और एक बात बताइए। बताओ। अगर हम ये चिपका चिपकी करने लगे, ये बाबूशोना करने लगे ना, तो आप तो हमें सीधा बरसाने छोड़ कर आएंगे। उधर देखिए मत, आप इधर देखिए। हम चले ही जाते हैं ना। बाकी बिहार जी किधर जा रहे हैं आप? अब बरसाने तो जा नहीं सकता, टहल के आते, जरा स्ट्रेचिंग फ्रेचिंग कर लेते। जाइए फ्रेचिंग करके आइए। मोहन त्रिवेदी रिटायर्ड विंग कमांडर अमन सिंह। सर जानता हूँ, एयरपोर्ट पर सुना था मैंने
इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू सर। और एक और बात सर, ये आप ड्यूटी पर नहीं, आप प्लेन में हैं, तो आप रिलैक्स करके बैठिएगा। मिस्टर त्रिवेदी, हम तो कंट्री के सर्वेंट हैं, जनता आराम करती है, हम ड्यूटी। अब तो आदत से हो गई है। एयरफोर्स में इतने प्लेन उड़ाए हैं हमने, जब ये सिविल प्लेन में बैठते हैं ऐसा लगता है कॉकपिट में बैठे हैं। नाइस टू मीट यू सर। मी टू।